मेरे बड़े भाई हैं, मैं आता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ, कोई पहली बार इस घर में नहीं आया हूँ, पारिवारिक रिश्ता है। उनका जब फोन आया था बधाई का, तब भी मैंने यही कहा था कि मैं आशीर्वाद लेने आऊँगा, मैं फोन पे बधाई स्वीकार ही नहीं कर रहा हूँ। आशीर्वाद लेने का कहा था, आया हूँ, बड़े भाई से आशीर्वाद ही लिया जाएगा। डैमेज कंट्रोल जैसी चर्चाएं चल रही हैं। डैमेज कुछ होता है तब कंट्रोल होता है ना, ऐसी कोई बात नहीं। डैमेज कंट्रोल नहीं, कुछ सवाल ही नहीं। चौरा से चुनाव लड़ाने के लिए हमारी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई, राजनीतिक बात नहीं हुई, पारिवारिक बातें हुई। भाभी जी का भी आशीर्वाद लिया। अब जब राजनीतिक बात करेंगे तो राजनीतिक बात आपसे भी करेंगे, तब हम दोनों करेंगे। मुलाकात करने के लिए आए थे, क्या कुछ चर्चा हुई आप दोनों के बीच में? वो गृह मंत्री के तौर पे आता तो निश्चित तौर पर चर्चा होती। छोटा भाई बड़े भाई से मिलने आया था, ये उसका अपना घर है और पहली बार नहीं है कि वो आज आया हो, लेकिन कोरोना के बाद, क्योंकि शपथ कोरोना के अंदर हुई थी, वो ग्वालियर नगर में पहली बार प्रवेश किया है उसने, तो उसके मन में था कि मैं जाऊंगा। और ये बहुत पुरानी बात है, जब उसने शपथ ली थी उसके तत्काल बाद की, वो आज अपने वादे को पूरा करने आए। अच्छा, ये से आप टिकट मांग रहे हैं? आपने मैंने नहीं मांगा, पहले तो लाइन गलत है, इसमें मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, आप पूछिए गलत रहे। निश्चित तौर पर फलो फूलो आज चर्चा जो है कि सिंधिया जी वहाँ से जो पूर्व विधायक है जिनका निधन हुआ उनको टिकट देने की मंशा, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा, आपका प्रश्न ही गलत था भाई। मैंने टिकट मांगा हो तो मुझे वो वाइट बताओ यार मेरी, मैंने तो कहा है कि मेरा चुनाव लड़ने की मंशा ही नहीं है, तो आप कितनी बार कहूंगा उसको, बार बार रिपीट करोगे तो क्या होगा? पार्टी के निर्णय पे आप पार्टी वालों से बात करो ना। कोई नाराजगी नहीं, मैं तो स्वतः ही काम कर रहा हूँ, बुला बुला के कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को काम पे लगा रहा हूँ, सब जगह दौरा करने गया था। आप चूंकि पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो 16 सीटों में आपकी कितनी भूमिका रहेगी, किस तरीके से? 16 की 16 पर है और मैंने जीतने का दावा किया है। मैंने कहा है कि कांग्रेस को एक सीट भी इस संभाग से मिलने नहीं दूंगा, प्राण पर से 16 सीटों के लिए काम करूंगा।